इस बार की दीपावली तो विशेष है। 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल के बाद प्रभु श्री राम अपने स्वयं के धाम में विराजमान हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होकर के हमें साक्षात अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इतने लंबे कालखंड के बाद अयोध्या की दीपावली इस बार विशेष है। दीपावली का पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अयोध्या धाम त्रेता युग में दीपमालाओं से जगमग हुआ था। हजारों वर्षों के बाद भी यह पर्व पूरे देश का एक उत्सव बन गया है। हर सनातन धर्मावलंबी बड़े विश्वास के साथ, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है। और इस बार की दीपावली तो विशेष है। 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल के बाद प्रभु श्री राम अपने स्वयं के धाम में विराजमान हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होकर के हमें साक्षात अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इतने लंबे कालखंड के बाद अयोध्या की दीपावली इस बार विशेष है। और अयोध्या के दीपोत्सव और दीपावली के कार्यक्रम के साथ पूरा देश और पूरी दुनिया जुड़ने के लिए उत्सुक है। यह पर्व हमें एक एक दीप के साथ जुड़ करके अंधकार का हो, अज्ञानता का हो, अराजकता का हो, अव्यवस्था का हो, उन सब के खिलाफ हम सबको एकता के सूत्र में जोड़ करके दीप से दीप जले के भाव के साथ एकता के सूत्र में जुड़ करके सर्वत्र ज्ञान का, धर्म का, शिक्षा का, प्रकाश का उजियारा दिखाई दे, इसका संदेश दे रहा है। मैं आज के इस अवसर पर प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करता हूं कि पूरे प्रदेश वासियों के सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए यह प्रकाश पर्व उत्साह, उमंग, सुख और समृद्धि का कारक बने, यह कामना मैं इस अवसर पर करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ इस अनुसूचित जाति की बस्ती में मुझे दीपावली के मिष्ठान के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। हर व्यक्ति उत्सुक है अपने पर्व और त्योहार के साथ जुड़ने के लिए और पूज्य संतों के साथ, इसके उपरांत मेरा उनके साथ मिलन का कार्यक्रम भी है। मैं इस अवसर पर अयोध्या वासियों को, प्रदेश वासियों को और सभी सनातन धर्मावलंबियों को इस पर्व की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं।